प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के लिए 4 सीवरेज संयंत्रों और मधेपुरा की ग्रीनफील्ड लोकोमोटिव फैक्ट्री के शिलान्यास समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। कहा, इन परियोजनाओं से देश के पूर्वी हिस्से के विकास को मिलेगी गति। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को खास तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर सुपौली वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 2410 करोड़ की है। इस रेल लाइन की लंबाई 210 किलोमीटर की है। फ्रांस के सहयोग से मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा की ग्रीनफील्ड लोकोमोटिव फैक्ट्री का लोकार्पण किया। इसमें मधेपुरा में रेल इंजन कारखाने में बने 12,000 हॉर्स पावर इंजन का निर्माण होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली कटिहार हमसफर को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने एनएच औरंगाबाद झारखंड सीमा पर 6 लेन विस्तारीकरण का शुभारंभ किया। यह 6 लेन की परियोजना की दूरी 70 किलोमीटर की होगी, जिसकी लागत करीब 882 करोड़ की होगी। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में पेट्रोलियम ऑयल टर्मिनल और बाटलिन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार मोतिहारी स्थित मोती झील के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत करीब 22 करोड़ की होगी। इसके साथ ही पीएम ने मोतिहारी के लिए 97 करोड़ की पेयजल परियोजना की भी शुरुआत किया। नमामि गंगे योजना के तहत प्रधानमंत्री ने पटना के लिए स्वीकृत 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।